मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर ली। तो दोस्तों, मुझे अभी भी याद है कि जब टाइगर श्रॉफ की बागी 2 रिलीज हुई थी ना, उस वक्त उस फिल्म ने सिनेमाघरों को पूरी तरह से हाउसफुल कर दिया था, फिर चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन। और बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही पहले दिन 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि टाइगर श्रॉफ के करियर की हाइस्ट ओपनिंग कही जाती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि बागी 2 के बाद में बागी 3 भी आई, जो कि पेंडेमिक के टाइम रिलीज हुई थी। उसके बावजूद भी उस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई की थी। तो कहीं कहीं यहाँ पर बागी सीरीज के जो 3 भाग है ना, तीनों भागों को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है उनके एक्शन की वजह से और डिफरेंट कहानियों के कारण। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बागी सीरीज और टाइगर श्रॉफ के जितने भी फैंस है उन सब के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने आज बागी सीरीज का अगला भाग यानी कि बागी 4 का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो चुका है। और इस पोस्टर में टाइगर श्रॉफ पूरी तरह से खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। यहाँ पर टाइगर श्रॉफ का जो लुक है वो काफी बढ़िया लग रहा है और ऐसा लगता है कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें बिल्कुल नए अंदाज में देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, पोस्टर पे एक टैगलाइन लिखी है कि इस बार फिल्म की कहानी और ये फिल्म बाकी भाग के मुकाबले काफी बेहतर और काफी अलग होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ के जाने माने डायरेक्टर ए हर्षा, जो इससे पहले बजरंगी और वेदा जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। तो दोस्तों, यहां पर बागी 4 में टाइगर श्रॉफ का लुक भी कमाल का है और सबसे बढ़िया बात यह है कि फिल्म के डायरेक्टर भी काफी दमदार है। यानी कि दोस्तों, सब कुछ सही रहा तो यह फिल्म टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने का दम रखती है। दोस्तों, अभी तक तो फिल्म का सिर्फ फर्स्ट लुक पोस्टर फिल्म का डायरेक्टर कंफर्म हुआ है, बस इंतजार है कि इस फिल्म में धमाकेदार विलन भी देखने को मिल जाए, साथ ही साथ इस फिल्म की हीरोइन भी कोई बढ़िया हो। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म में बाकी की जो स्टार कास्ट है वो भी सॉलिड होगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला, जो कि अच्छे स्टार कास्ट, अच्छे डायरेक्टर और अच्छी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी साजिद सर की नेक्स्ट ईयर बहुत सारी फिल्में आएंगी, जैसे सिकंदर, हाउसफुल 5 और बागी 4, मतलब कि अगले साल बॉक्स ऑफिस पर साजिद नाडियाडवाला ही पूरी तरह से राज करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बागी 4 के जो विलन है ना, वो पिछली फिल्मों से काफी हटकर होने वाले हैं। तो दोस्तों, बागी सीरीज की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फिल्मों ने दुनिया भर में जहां 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, और ऐसा लगता है कि इस बार बागी 4 तो उन सभी फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड है उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देगी। क्योंकि दोस्तों, फिल्म का फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट लुक होता है और फर्स्ट लुक पोस्टर ही देखने में पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की वाइब दे रहा है। अब इंतजार है कि जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो और फिल्म के बाकी स्टार कास्ट का भी अनाउंसमेंट किया जाए। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि जब यह फिल्म अगले साल सितंबर में रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 30-40 करोड़ की ओपनिंग लेगी, और अगर फिल्म ऑडियंस को पसंद आ गई तो शायद दुनिया भर में इस फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बागी सीरीज की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो काफी तगड़ी है। मतलब कि बागी 1, बागी 2, बागी 3, इन फिल्मों के अगर आप कलेक्शन देखोगे ना, तो आप खुद सोचोगे कि यार इन फिल्मों को ऑडियंस ने कितना पसंद किया, और इस बार तो बागी 4 और भी नेक्स्ट लेवल पर बनने जा रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। बाकी आपको बागी 4 का कितना इंतजार है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।